इसलिए बोल रहा हूं हट गया हट गया ये बहुत सारा जा की जाकर सबकी हालत खराब हो जाएगी निकाल लीजिए आगे तो तो हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों मुझे सूचना मिली है कि आजमगढ़ के तहबरपुर किसी स्थान पर एक लेपर्ड आ गया है, तो हमारी टीम वहां पर निकल चुकी है और वहां पर आला अफसर जिले के मौजूद हैं। हमारी भी टीम पहुंच रही है और वहां पहुंच करके हम आपको लाइव दिखाते हैं आंखों देखा हाल। आप वीडियो के साथ बने रहिए और कब कैसे क्या हुआ बहुत सारी चीजें जो भी है आपको वहाँ पहुँच करके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अपनी गाड़ी की रफ्तार भी थोड़ी ज़्यादा है, लगभग 100 के अबव में है और हम लोग बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। 25 से 30 मिनट और लगेंगे। ये देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं उस स्थान पे, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और देखते हैं वो किस जगह पे है। ये पिजड़ा लगाया जा रहा है, अच्छा उसी पुल में है। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो सामने जाल दिखाई दे रही है, ऊपर ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है और उसी के नीचे ये पुलिया है। तो आप ये देख सकते हैं पुलिया के अंदर गया है, प्रशासन महोदय अपनी तरफ से पिजड़ा लगा दिए हैं और आप दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, देखिए कैसे क्या होता है। लेकिन एक बड़ी खुशी की बात ये दोस्तों कि कोई अभी तक नुकसान नहीं हुआ किसी के साथ। उधर से इतना बढ़िया दिख रहा है, अच्छा ये मोड़ में है ना, बाकी से लोग ऐसा कर रहे हैं, एकदम लाइट मार रही है। हाँ सही है, एक नंबर। एक मिनट, भूखा बैठा है, एकदम साफ दिख रहा है। फॉरेस्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट, मैं पोस्टेड हूँ अतरौलिया रेंज। अतरौलिया मतलब ये आजमगढ़ जिले, ये आजमगढ़ जिले में। तो आप देखे हैं इसको अपनी आँखों? हाँ आँखों से देखा हूँ, लेपर्ड ही है। अच्छा ये कितने दिन से आ रहता है? ये 10 या 15 दिनों से जो है कि आजमगढ़ जिले में है। ये कभी अहरौला इस पार्ट किया जा रहा है, कभी हमारे क्षेत्र अतरौलिया में चला गया था। और इसके पहले जब आया था शुरुआत में तो इधर ही कहीं बंकर में था, फिर वही प्लेस पे जो है कि आ जाया। आज ये बहुत बेहतरीन जगह पे सेट हो गया है, सेट हो गया है। आज उम्मीद है कि जो है कि पकड़ में आ जाए, क्योंकि टीम भी आ रही है, वाइल्ड लाइफ टीम भी जो है कि बुलाई गई है। ले लेना कहाँ बैठा था उसने? अच्छा उस तरफ बैठा हुआ। दोस्तों ये जो है प्रशासन महोदय सबसे पहले उसको देखे थे, ये उस तरफ था, इधर से पिजड़ा लगा दिया गया है और उस तरफ से खुला हुआ था, उस तरफ से पैक कर दिया गया है। दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से वो पैक है, जब भी निकलेगा तो इधर ही निकलेगा, है ना सर जी? आइए एक बार उधर आपको दिखा दें। तो ये आप दोस्तों देखिए इस तरफ ये पिजड़ा लगा हुआ है उस तरफ, और इधर से जेसीबी लगा करके पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है जिससे ये इस तरफ ना निकलने पाए। इधर उधर घुमाएगा, ये है ये थोड़ा लाइट लेट गया का था का है बैठा है। देखिए इस कंडीशन में बैठा है, लेटा है, बैठा पीछे क्या चीज दिख रहा है उसके? उजाला लाइट है, पीछे बैठा है वो? नहीं नहीं, मुंह उस साइड है। हाँ ये बैक साइड है, ये बैक साइड है। हाँ ये देखो मुंह दिख रहा है ना उसका, पूछ है
ये देखिए दिख रहा है क्या अभी? उधर भी एकदम लास्ट में चला गया है वो। नहीं यार इतना पतली थोड़ा पाइप है। पहले राउंड में हम सर यही सोचे थे ना ये लोहे का एक, हां हां पहले उसकी कमाइज कर लीजिए, फिर उसे चारों तरफ से दो तीन इंच कम कर दीजिए। हां ये फिर उसको एक वेल्डिंग करा दीजिए, फिर वो बिल्कुल ठीक से चल जाएगा। क्या नाम वो पहले टेढ़ा करके थोड़ा डाल, उसको सीधा करें ना, उसको सीधा करें। ये फावड़ा फावड़ा इस से कर ले, ये है ना सर फावड़ा पास। आराम पकड़े रहिए। बार बार इधर ताकत ना, लाइट पाएगा तो आएगा नहीं। चलो फावड़ा मारो, रुको 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 थोड़ा सा। कहाँ उधर चला गया क्या? ये देखो यहाँ पे। हाँ। अरे चला गया, चला गया, चला नहीं गया, बैठा 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 ना। हाँ 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 बैठ गया, बैठ गया। दम लगाओ, बोल के अब जाएगा जाएगा जाएगा, ताकत लगाओ। सही है, चलो आराम से। सुनिए मेरा, ये सुनिए रुक जाए तो बताएं, अभी आ नहीं पाएगा ना। ना ना वो अब इधर ही इशारा कर रहा है, देख रहा है सर। ऊपर से सब लोग हट गए, ऊपर दिक्कत है ज्यादा, ऊपर से सब लोग हटे, निकलेगा जाएगा ऊपर है, ऊपर से भाग जा लोग, ऊपर जाई इधर तक बाड़ा लगा ला जगह, ऊपर का ही निकलेगा वो। सर गरम जा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप ये देख सकते हैं एकदम से शाम हो चुकी है पूरी तरीके से बिल्कुल। ये दोस्तों आप यूँ समझिए कि ये लगभग 6:30 बजने वाले हैं, इस समय 6:30 होने वाले हैं, और ये ऊपर के लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं उस लेपर्ड का नज़ारा देखने के लिए, वो कब कैसे और क्या होता है, उसके साथ कैसे फंसता है। ये हमारे गांव के लोग हैं, दर्शक बंधु हैं, लेकिन आप दोस्तों नज़र जमाए रखिएगा, जैसे ही फंसेगा हम आपको ले कर चलेंगे, एकदम करीब से दिखाएँगे। हटिए हटिए सर, वही वही मत दीजिएगा, सीधे जंगल में चले जाओ।
दुकान से थोड़ा बस बस आ जाओ आ जाओ। कुछ नहीं करेगा हाँ तो बस जाली में ना जाए। अरे अरे भैया अरे दोस्तों आप ये देख सकते हैं अभी इसमें पूरी तरीके से रख दिया गया है। अभी इसे लेके चलते हैं काफी दूर, या तो दोस्तों गोरखपुर चलेंगे या तो फिर इसे लेके चलेंगे महाराजगंज, क्योंकि वहाँ पे ही एक बड़ा सा जंगल है, इसको रिलीज किया जाएगा। बाकी दोस्तों ये कौतूहल का विषय तो है ही है, कितना भी देखो जी नहीं भरता, सही है, कितना भी देखो पर जी नहीं भरता, तो ये सब लोग बहुत परेशान थे इसे देखने के लिए, और आज जी भर के देख भी लिए हैं। चलिए दोस्तों, सर जी ने इसका नाम दिया है, आप बताइए सर। ऑपरेशन का मैं बी बहादुर सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी रेंजर तरौलिया सामाजिक वन की डिवीजन आजमगढ़ जी। ये काफ़ी मशक्कत के बाद जो है कि इस ऑपरेशन को सफल कराया गया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन पूर्वांचल, क्योंकि इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कर्मचारियों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। वन विभाग की टीम को मौजूद रही है, साथ साथ में जो है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने भी जो है कि कोऑर्डिनेशन बैठाने में इसका काम किया है। और ये है सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बिल्कुल बिल्कुल आगे अधिकारीगण, ये भी सर ने काफ़ी सहयोग दिया। जैसे कि आपने सहयोग एक्चुअली हमारे तरफ से जो सहयोग मांगा गया हमने पूरा कोशिश किया कि हम पूरा सहयोग रहे और बहुत नाम दे दिया ऑपरेशन पूर्वांचल जी। ऑपरेशन नहीं, हमारी पूरी टीम भी साथ में लगी रही है जी सर, और आप लोगों का भी पूरा सहयोग रहा। फाइनली हम लोग सक्सेसफुल रहे और उसको केयरफुली हम लोग ये भी जो है कि हौसला मुरली वाले हैं, ये पिछले 3 या 4 दिनों से 24 घंटे यही जो है कि ये लगातार जो है कि उपस्थित रहे हैं, तो इनको भी जो है कि बहुत सारा जो है कि धन्यवाद हम दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो और सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद इनका, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र में और उसे सफल और उसे बचा करके अच्छे से रेस्क्यू सर ने किया है, पूरा अच्छे से समय दिया है। तो सर ये चाहते हैं कि अभी कहाँ जाएगा रिलीज करने के लिए? अभी हायर अथॉरिटी हमारी बात कर रही है, रेस्क्यू करने के बाद ये अगर सही है तो हम इसको गोरखपुर जो है कि जूलॉजिकल पार्क में ले जाएंगे। इसके पहले सर आपने कभी ऐसे बेजवान को बचाने की कोशिश किया या मौका मिला? इस तरह से तो मौका नहीं मिला है। एक्चुअली बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे कभी कोई गाय बछड़ा आ गया है जी जी, तो उनको हमारी टीम है स्पेशली, वो टीम हमारी सुरक्षा प्रदान करती है और आगे अवगत भी कराती है। इवन गांव से भी जानवर आ जाते हैं कभी कभी, तो पूरा समाधान करते हैं, ऐसा नहीं। बाकी हमें इस टाइप से पहली बार ऐसा टास्क मिला और जिसको हमने सुरक्षित तरीके से पूरा। सर आपका पूरा नाम क्या है? संजय चंचल, मैं यहाँ पे मेंटेनेंस। लगभग कितना समय आपने यहाँ पे दिया? मैं मॉर्निंग में 11 AM आया था यहाँ पे। अच्छा। और फिर आके हमने इसका प्लान किया, सभी लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का गाइडेंस रहा, तो सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये सर महोदय, और आप ये महोदय सर हैं, ये 3 दिन से लगातार यहाँ पर छावनी बना दिए थे, यूँ समझिए पूरा समय दिए हैं, और आज ये 3रा दिन था जिससे लेपर्ड ये अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया गया, इसको चोट नहीं पहुँची है। तो यहाँ के गांव वाले भी दोस्तों बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं, बड़ी शांति के साथ ये रेस्क्यू किया गया, इसको कोई क्षति नहीं हुई। अब इसे ले कर चलेंगे काफ़ी दूर जंगल झाड़ियों में जहाँ पर रिलीज करेंगे ये सर लोग जी जी, हम उसे पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से बेजवानों को बचाते हुए, और तब तक के लिए आप सभी
को जय हिंद और मुरली भैया जिंदाबाद 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 मुरली भैया जिंदाबाद 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 जय श्री राम जय श्री राम। हाँ सूरत जिला का जो पड़ोस है